क्या बरामद हुआ है? इस पर से जांच की गई तो व्यक्ति की पहचान हामिश साहू पुत्र डब्बू राम साहू 35 वर्ष निवासी ग्वालियर का गुना पाया है। जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने एक आवेदन दिया। उनका कहना था कि वो यहाँ पे दर्शन करने आए थे और उनके डबरा के ही रहने वाले चार व्यक्ति धर्मेंद्र जाटव, दालचंद जाटव, फूलचंद वाल्मीकि और रिंकू वाल्मीकि, ये चार लोग आए। इन लोगों ने उनकी फायरिंग करी जिसके भी चार में गोली लगी। अभियंता से जब उसका परीक्षण किया गया जो कि जो घाव था उसका परीक्षण से पाया गया कि ये संदिग्ध है। इस पर से जो विटनेसेस थे कल्याण और जो साथ में साथी आए थे इनकी पूछताछ की गई। मौके पर से कल्याण साहू वो साथ में मिला जिसने जिसने पूछताछ करने पर ये स्वीकार किया कि वो षड्यंत्र पूर्वक जो चार लोग डबरा निवासी थे उनको फंसाने के उद्देश्य से यहाँ पे आए थे। रामेश्वर साहू, कल्याण, विक्की और पिल्ली, ये चार लोग डबरा से दो मोटरसाइकिलों पे यहाँ पे आए और इन्होंने रामेश्वर साहू को जानबूझकर गिरफ्तार करके फायरिंग की और फायरिंग करके जो चार व्यक्ति थे उनको फंसाने का प्रयत्न किया। उन चारों व्यक्तियों के इन पे गवाही ड्यू है और इनके आपस के कुछ पहले के विवाद। उसके द्वारा ये सूचना दी गई कि डबरा नगर का चार लोग इन लोगों ने मिलकर जांच करने पर पता चला कि साथ में कल्याण साथ में आया था रामेश्वर के। उससे उसने बताया कि इन लोगों की प्रॉपर प्लानिंग से ये लोग चढ़े वक्त उन चार लोगों को फंसाने के उद्देश्य से यहाँ पे आया था। उनके नाम लिखा अपने जो स्कूल के केसेस हैं और इनके व्यक्तिगत जो विवाद है निपटारा करना चाह रहे थे। इस पर से उसके बयान दिए गए और 308, 182, 211, 194, 195, 34 IPC की धाराओं में आधार पर जीवित करके जाँच कर दी गई। चारों आरोपी इस गिरफ्त में है कि पिल्ली, रामेश्वर साहू और कल्याण। कल्याण ने पूरा एडमिट किया है पूरा चीज। पिल्ली के पास से हमें एक और साथ में जिंदा राउंड।